गर्मी के मौसम में दोस्तों सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल आते हैं मोगरा पर, और दोस्तों इनके फूलों की खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन होती है। और दोस्तों हमारे कुछ दोस्तों की शिकायत होती है कि उनके मोगरा पर एक बार फूल आए और फूल आने के बाद में फूल आना बंद हो गए। तो दोस्तों इसकी कई वजह हो सकती हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक बार फूल आने के बाद में फूल आना बंद क्यों हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोगरा की और केयर के भी बारे में जानेंगे, मोगरा को कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोगरा के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं, समय समय पर आप इस पौधे को देते रहते हैं तो आपके पौधे पर बहुत सारे फूल आते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मोगरा के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं उनकी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस पौधे की जो ग्रोथ है, अगर ज़्यादा हो गई है तो आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। अगर आपने दोस्तों इसकी प्रूनिंग नहीं किया तो ये झाड़ी की तरह बढ़ता रहेगा और इस पर फूल आने के चांस जो है कम हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, फूल आने के बाद जो फूल झड़ जाते हैं, जो उनका नीचे का हिस्सा बचता है, आप उनको कट जरूर कर दें। अगर आप इनको कट नहीं करते हैं तो जो नई शूटिंग है, जो नई ग्रोथ है, नई जो ब्रांच बनेगी वो बनने में टाइम लेगी, काफ़ी समय लगता है। अगर दोस्तों हम बात करें मोगरा के इस पौधे के लिए फर्टिलाइजर की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मोगरा के लिए लो नाइट्रोजन और हाई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर अच्छा रहता है। इससे आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। अगर आपने दोस्तों हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर दिया हुआ है इस मोगरा के पौधे को, तो आपके जो पौधे की जो टहनियों की लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब झाड़ी की तरह ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, बेल की तरह बढ़ जाएगा और फूल जो है बहुत ही कम आएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको हाई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर दें और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर कम दें। अगर हम बात करें दोस्तों किचन बेस्ड फर्टिलाइजर की, तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि आप बेकार समझ के फेंक देते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक अच्छा फर्टिलाइजर का भी काम करती है और दोस्तों उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। चाय की पत्ती एसिडिक कर देती है मिट्टी को, इसलिए दोस्तों आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये मोगरा का पौधा है ये एसिडिक लवर प्लांट है, इसको एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। तो आप जब भी चाय बनाएं उसको धो के अच्छे से सुखाने के बाद में आप अपने इस पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि मोगरा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये फूल खिल चुके हैं, और फूल खिलने के बाद में जो नीचे का हिस्सा है आप उसको इस तरीके से कट जरूर कर दें। इसके कट करने के बाद में दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नई जो ब्रांच है निकली है, इसी ब्रांच पर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। अगर आप इस दोस्तों इन फूलों को नहीं कट कर दें तो नीचे की जो दूसरी ब्रांच है वो अच्छे से ग्रोथ अपनी स्टार्ट नहीं कर पाती। इस तरीके से दोस्तों जब भी फूल खिलें और जो नीचे का हिस्सा है उसको कट जरूर कर दें। वैसा तो दोस्तों ये जो नीचे का हिस्सा है कुछ दिनों के बाद में सूख के गिर जाता है, लेकिन काफ़ी समय लेता है, तब तक ये पौधे की जो एनर्जी है वो खर्च करता रहता है। तो बेहतर यही है कि ऐसे जो फूलों का नीचे का हिस्सा होता है उनको आप कट जरूर कर दें। कट करने के बाद में दोस्तों जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहाँ से ये नई नई ब्रांचें यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, और जो नई ब्रांचें निकलेंगी, जो नई टहनियाँ निकलेंगी, उन पर ही फूल आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं सारे पौधे की जो मतलब पौधे पर जो पुराने फूल थे, जो उनका नीचे का हिस्सा था, इस तरीके से मैं कट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और जानना ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोगरा को केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं या फिर दूसरों कोई भी पौधों को हम फर्टिलाइजर देते हैं केमिकल, और केमिकल फर्टिलाइजर हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे पौधे पर कम समय में ज़्यादा फूल आएँ। दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं अपने मोगरा के पौधे को, देना भी चाहिए अच्छे फ्लोरिंग के लिए। लेकिन दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि आपके पौधे पर एकदम बहुत सारे फूल आए लेकिन आने के बाद में फिर दोस्तों फूल आना बंद हो गए। तो दोस्तों होता क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो सारा जरूरी पोषक तत्व मिट्टी से खींच के आपके पौधों को दे देते हैं और पौधा फूल बनाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में हम उसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं मिलाते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें अपने पौधों में, तो उसके बाद में कम से कम 8 से 10 दिन के बाद में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर दें। क्योंकि दोस्तों जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो सारा जरूरी पोषक तत्व पौधे को खींच कर दे देते हैं, उसके बाद में पौधे की मिट्टी में कमी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों पौधे को फिर अच्छी फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तब उसको नहीं मिल पाते हैं मिट्टी से। तो ऐसे में दोस्तों आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऐड जरूर करते रहें जिससे कि आपके पौधे पर फ्लावरिंग ना रुके। DAP या NPK इस्तेमाल करने के बाद में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसकी भरपाई के लिए आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट और बोन मील यूज जरूर करें। इससे आपके पौधे के अंदर जो जरूरी पोषक तत्वों की कमी है वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट दे देता हूँ और बोन मील दे देता हूँ, तो इससे मेरे पौधे की जो ग्रोथ है
अच्छी रहती है और फूल भी आते रहते हैं अगर मैं कभी कभी केमिकल का यूज करता हूँ तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केमिकल का भी यूज नहीं भी करते हैं तब भी आप ये फर्टिलाइजर अपने पौधों में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स करने के बाद मैं अपने पौधों में यूज करूँगा। तो किस तरीके से यूज करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें और जो ऊपर की रूट्स होती हैं उनको आप कट जाने दें। अगर रूट्स कटती भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो रूट्स कट जाती हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है रूट्स की और भी तेज़ी से होने लगती है। इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद में 3 से 4 इंच की ऊपर की मिट्टी को हटा दें। अगर आपका पौधा बड़े पॉट में लगा हुआ है, मेरा पौधा जो बड़े पॉट में लगा हुआ है तो मैं 3 से 4 इंच की मिट्टी को हटा दूंगा। हटाने के बाद में दोस्तों बोनमील जो बर्मी कंपोस्ट हमने रेडी किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। कुछ इस तरीके से डालने के बाद में इसको अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद में जो हमने मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी फिर से इसके ऊपर से ढक देंगे। मिट्टी को दोस्तों ढकने के बाद में अच्छे से उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अच्छे से बॉर्डरिंग करनी है। बॉर्डरिंग करने के बाद में दोस्तों इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप आती रहे। दोस्तों मोगरा का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की जरूरत पड़ती है, पूरा दिन की धूप चाहिए होती है। अगर दोस्तों आप इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं मिलती है तो आपके पौधे की टहनियों की लंबाई ज़्यादा होगी और फूल नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छी फ्लावरिंग तो दोस्तों इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपको रखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।